हम रोज आपको शिवजी के रहस्यों से जुड़ी जानकारी देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसार में जितने भी देवी देवता हैं, सभी आभूषण धारण करते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि शिवजी क्यों आभूषण धारण नहीं करते और वह सिर्फ अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं? पर ऐसा क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। संसार में भोलेनाथ की महिमा को सबसे बड़ा माना गया है। शास्त्रों में बाबा भोलेनाथ के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, जो और देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। तो आज हम जानने वाले हैं कि शिवजी क्यों शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो बता दें कि इससे जुड़ी एक धार्मिक मान्यता है कि भोलेनाथ मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं शव के जलने के बाद शंकर जी बनी भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। वहीं इसके पीछे का मकसद ये है कि भगवान हमें यह संदेश देते हैं कि हम सबका शरीर नश्वर है और एक दिन सबको ऐसे ही इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाना है। वहीं बता दें कि हमें इस नश्वर शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन मरने के बाद सबका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। पर क्या आपको पता है, शिवजी द्वारा जले हुए शवों की राख को अपने शरीर पर लगाने में पवित्रता भी छिपी हुई है? जी हाँ, वह पवित्रता जिसे भगवान शंकर ने जली हुई चिता से खोज निकाला है। जिस भस्म को अपने शरीर पर लगाकर उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। वहीं कहा यह भी जाता है कि अपने शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। बाबा के अनुसार मरने के बाद मरने वाले व्यक्ति को जलाने के बाद बची हुई राख में उस व्यक्ति के जीवन का कोई कण नहीं बचता। वहीं इसमें भगवान शिव खुद में एवं मरने वाले व्यक्ति के बीच के संबंध को दिखाता है। धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।